सो है गाइज, आपका स्वागत है DIY इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई सर्किट के ऊपर नहीं होने वाला, आज का ये वीडियो एक यूजफुल टूल के ऊपर होने वाला है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स हॉबीस्ट हो तो ये यूजफुल टूल आपके पास होना ही होना चाहिए, मस्ट है। और वैसे आपको बता दूं, ये हमारा एपिसोड नंबर 1 है यूजफुल टूल प्लेलिस्ट का। अब इस प्लेलिस्ट पर रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, ये एपिसोड नंबर 1 है। एपिसोड 2 भी बहुत जल्द आएगा। हम लोग यूजफुल प्लेलिस्ट में यही तो कवर करेंगे यूजफुल टूल्स के बारे में, जो कि आपका काम को काफ़ी ज़्यादा आसान करेगा। सो यह वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये जो डिसोल्डरिंग पंप आता है, ये हॉकी कंपनी की तरफ से आता है। इसे मैंने HN कार्ट से खरीदा है, आप भी खरीद सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एंड बात कर लेते हैं इस डिसोल्डरिंग पंप की, तो ये 40 वॉट का डिसोल्डरिंग पंप है और कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। सो इसे अनबॉक्स करते हैं। ये क्या, ये तो खाली है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नीट एंड क्लीन तरीके से ये डिसोल्डर नहीं कर पा रहा है, मतलब जो पंप है वो पूरे अच्छे तरीके से इसका जो सोल्डरिंग वायर्स है पंप पूरा खींच नहीं पा रहा है सोल्डरिंग वायर्स के जो सोल्ड पॉइंट है उसे। डिसोल्डरिंग पंप वर्क तो कर रहा है लेकिन इतने प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है। हाँ, काम चल जाता है आपका, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में आपका ये जो प्लास्टिक होता है ये मेल्ट हो जाएगा, सोल्डरिंग आयरन से टच होता है तो ये मेल्ट हो जाएगा, पिघलते जाएगा। एंड या वर्क करता है, ऐसी बात नहीं कि ये डिसोल्डरिंग पंप बेकार है, वर्क नहीं करता, करता है। बट काम आपका और भी आसान तरीके से हो सकता है इसके हेल्प से, ये इलेक्ट्रिक डिसोल्डरिंग पंप की हेल्प से आपका ये काम बहुत आसान तरीके से हो सकता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब मैं आप लोगों को इस डिसोल्डरिंग पंप को यूज़ करके दिखाता हूँ। वन हैंड से यूज़ करना है क्योंकि सोल्डरिंग आयरन जैसा कि आपको पता है इसी में ही है एंड डिसोल्डरिंग पंप भी इसी के अंदर है। कैमरे को जूम कर लिया है मैंने, अब मैं आप लोगों को पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, देखा आपने, एक ही बार में इसने रिमूव कर दिया पूरे जो सोल्डरिंग थे लगे वो, उसको रिमूव कर दिया। मैं वापस से पंप को यूज़ करता हूँ। ये देखिए, नीट एंड क्लीन। मैं आपको दिखाता हूँ पास से और देख पा रहे हो कि इसके पॉइंट्स एकदम नीट एंड क्लीन है। अब इसे भी मैं डिसोल्डरिंग करता हूँ फटाफट से। इससे पहले हम लोगों ने पंप यूज किया था तो कुछ कुछ लगे हुए इसमें। सो ये देखिए, हमारा ट्रांसफार्मर निकल चुका है बड़े ही आराम से। मैं अभी आप लोगों को एक और कंपोनेंट निकाल के दिखाता हूँ, इसे रखते हैं साइड में। दो टर्मिनल वाले कंपोनेंट बड़े आराम से निकल जाते हैं। चलो मैं आपको वही निकाल के दिखाता हूँ एक बार। चलिए मैं पहले आपको ट्रांसफार्मर वापस से निकाल के दिखाता हूँ। इस चार्जर का जो ट्रांसफार्मर है ना, ये निकाल के आपको दिखाता हूँ। इसके ये चार टर्मिनल्स इधर है, दो टर्मिनल्स इधर है। फटाफट से निकाल के दिखाता हूँ आपको। एकदम मक्खन तरीके से वर्क कर रहा है, मक्खन तरीके से। लेट्स सी ट्रांसफार्मर निकलता है कि नहीं। वाओ, देखा आपने, ये जो चारों टर्मिनल्स थे एक ही एक ही बार मैंने पंप चलाया एंड हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो निकल गया है। कोई एक्स्ट्रा बार मुझे पंप चलाना की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि जो चार टर्मिनल्स थे उधर एक एक बार पंप चलाया, यहाँ पर जो दो टर्मिनल्स थे वहाँ पर एक एक बार पंप चलाया। मैं अब की बार कैमरा जूम करके आप लोगों को यही चीज़ करके दिखाता हूँ। HN कार्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से कि आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बहुत ही कम प्राइस पर खरीद सकते हो, प्लस कुछ जो कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं रहते मार्केट में वो भी कंपोनेंट्स आपको इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप लोग वेबसाइट को विजिट करना ना भूले इस वीडियो को एंड करने के बाद। एंड ये जो डिसोल्डरिंग पंप है आप इन्हीं की वेबसाइट से खरीद सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ये वाला ट्रांसफार्मर भी निकालूगा, इधर चार टर्मिनल से इधर दो टर्मिनल से। ओके, ये देखिए,
हमारा कंपोनेंट निकल गया। एज यू कैन सी कि हमारा ट्रांसफार्मर बड़े ही आसानी से निकल गया। देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक डिसोल्डरिंग पंप काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये अलग से कोई आप लोगों को डिसोल्डरिंग पंप तो यूज़ नहीं करना पड़ रहा, इस कारण आप लोगों का काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जा रहा है। ये देखिए, और ये जो आगे का टर्मिनल्स है वो भी मेटल का, तो ये जल्दी मेल्ट भी नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, एंड काफ़ी कम समय में आप लोग इसे डिसोल्डरिंग कर ले रहे हो। जैसा कि आपको मैंने अभी करके दिखाया, काफ़ी कम समय में आप लोग डिसोल्डरिंग बड़े ही आराम से कर पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं एक डायोड निकालता हूँ, ओके, यहाँ पर ये वाला मैं डायोड निकाल के दिखाता हूँ आपको फटाफट से। इसके टर्मिनल्स तो मोटे होते हैं, आपको पता ही है। ये देखिए, एक ही बार मैं डिसोल्डिंग कर चुका, मैं आपको कैमरा जूम करके दिखाता हूँ, ये देख पा रहे होंगे, एक ही बार में इसने इस टर्मिनल को डिसोल्ड कर चुका है। ये वाला जो टर्मिनल है इसे एक बार डिसोल्डिंग कर लेते हैं। ओके, हमारा ये डायोड डिसोल्डिंग हो चुका है, बस अभी इसे निकालते हैं। लाइट चला गया फिर। 2000 years later. सो यहाँ पर मैंने डायोड को डिसोल्डरिंग कर दिया, बस अब इसे निकालने की देरी है, एंड एज यू कैन सी कि आराम से निकल गया। ये देखिए, बड़े ही आराम से ये डायोड निकल गया। ये सोल्डरिंग आयरन वर्थ ही थे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स हॉबीस्ट हो और मेरी तरह कोई भी सर्किट में से कंपोनेंट्स निकाल के यूज़ करते हो, तो ये टूल आपके लिए बेस्ट है। बहुत जल्द ये आपका काम कर देगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा कंपोनेंट्स को रिमूव करने में, पीसीबी से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टूल है। बाय द वे, अगर आप इस टूल को खरीदना चाहते हो, डिसोल्डरिंग पंप को खरीदना चाहते हो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मैंने इसे HN Cart से खरीदा है, वहाँ से भी आप जाकर खरीद सकते हैं। Amazon का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर इस यूजफुल टूल को खरीद सकते हैं। ये episode 1 था, अब episode 2 भी आएगा। इसी तरह से इस प्लेलिस्ट पर और वीडियोस आते रहेंगे यूजफुल टूल से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।